देख रहे हैं यूपी खबर। संभल पुलिस की गोवंशीय पशु तस्करों से मुठभेड़। संभल पुलिस की गोवंशीय पशु तस्करों से मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ में दो पशु तस्कर किए गिरफ्तार। पशु तस्करों से सेंट्रो गाड़ी एवं सवा कुंटल गोवंश पशु का मांस के अलावा दो तमंचे एवं कारतूस बरामद। पुलिस चेकिंग के दौरान ओवरी तिराहा के पास से गिरफ्तार हुए पशु तस्कर। पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर के सरोज ने किया खुलासा। असमोली थाना क्षेत्र का मामला। सर क्या मामला है, इस तरह से ये पशु तस्कर पकड़े गए हैं? अपराध अपराधियों के नियंत्रण में जो हमारे कप्तान साहब का अभियान चल रहा है, कल रात मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रात में कुछ अवैध जानवर इस रास्ते जा सकते हैं या उनके मांस लेकर कोई जा सकता है। इस सूचना को तस्दीक करते हुए पुलिस ने अपना पिकेट लगाया और गाड़ियों की चेकिंग की। एक गाड़ी को चेकिंग के दौरान उसे एक गाड़ी मिली जो सेंट्रो कार थी, UP 21K 4867, जिसमें एक कुंतल 20 किलो मांस पकड़ा, गोवंशी मांस पकड़ा गया, खाल बरामद हुआ और वध करने के उपकरण भी पकड़े गए हैं। इसमें मौके से दो व्यक्ति पकड़े गए, क्योंकि अंधेरा था, रात था, रात का प्रकरण था। एक फरार हो गया, दो मौके से पकड़े गए। एक अभियुक्त नाम आसिफ कुरैशी, दूसरे का नाम यूसुफ। दोनों के खिलाफ उचित धारा मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनकी और तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इनके पास अवैध शस्त्र मिले हैं, जो उनकी भी फर्ज बना करके इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने अवैध शस्त्र मिले इनके पास? कुल अवैध दो शस्त्र बरामद हुए हैं।